मैं भारत मीडिया से संजय राय जिला अस्पताल बलिया पहुंचे हुए हैं, जहां बलिया जनपद के चितवड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत चितवड़ा गांव वार्ड संख्या 15 गांधीनगर के निवासी श्री मंजू प्रसाद साहनी के पड़ोसियों ने जमकर मार दिया था, जिसके कारण आप देख रहे होंगे दाएं पैर फ्रैक्चर हो गया है, टूट चुका है। पूरी जानकारी के मामले में आइए हम जानते हैं श्री मंजू प्रसाद साहनी जी से, यह क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या मामला है, आइए जानते हैं। आप अपना परिचय बताएं। मंजू प्रसाद चितवड़ा गांव गांधीनगर। क्या है पूरा मामला? सर मामला कुछ नहीं है, मामला यही तक थोड़ा सा बच्चे था झगड़ा हुआ, थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो दूर हुए और झगड़ा हो गया तो मैं तो घर पे था नहीं, तो वो लोग क्या किए कि वो लोग फिर अपनी जो औरत है उसकी उम्र सीता अपने पति को बाहर से बुलाई, बाहर से बुलाने के बाद जब बच्ची को वो लोग गली में घेर के मार दिया, मैं तो था नहीं। उस बाद जब मैं घर पे गया, हमको बच्चे बेहोश पड़ी थी, तो मैं जब आया तो मैं थाने में लेकर दोनों को कम्प्लेंट हुआ, ये भी केस किया वो भी केस किया, दोनों का जमानत हुआ। फिर बाद में गली में लोग घेर के मार दिए, फिर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं था बाजार में, जब मैं घर पे गया तो कितना बाप है, हम तो बाप हूं ना, तो सब घर में घुस के ऊपर से ईंटा मारे छत पे, समय गली में था, अच्छा तो ईंटा मेरे को लगा नहीं। फिर मैं छत पे गया तो छत में भी ईंटा पतल हुआ, छत में ईंटा पतल दिया मेरा सर फट गया, उस कारण से पूजा सौ ईंटा मारते मेरा सर फट गया। इसके बाद एप्लीकेशन दिया थाने पे, एप्लीकेशन दिया है, लेकिन थाना कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, जो मारा घूम रहा है। उसके बाद फिर लोग बच्ची को डबल बच्ची को लोग रात को 9 बजे सीता यमर गणपत को तारा देवी गणपत की ओर शांति दे दी, मैं घर पे नहीं हूँ। घर पे लोग बोले भाई घर पूरी दो तुम्हें डर के मारे, मैं घर में गांव में बाहर में छुप के बैठा हूँ। ये पूरा मारे थे रात को आके रीना को मारे थे। अच्छा, रीना कौन है आपकी? मेरी बेटी है बड़ी। अच्छा, रीना से मेरी बेटी है। तो उस समय रीना साहनी को मारे थे, ज्योति साहनी को मारे थे और गायत्री साहनी भी मेरी बेटी है। गायत्री 2 नंबर है, ये ज्योति 3 नंबर बच्ची है, जिसको लोग 5 लोग 6 लोग मारे हैं। अमर सीता गणपत तारा और शांति, क्योंकि मैं घर में नहीं हूँ, मैं घर में नहीं, लोग मारे हैं। मारने के बाद आप अपना परिचय बताओ। रीना साहनी चितवड़ा गांव जिला बलिया से। क्या है मामला बेटा? कुछ नहीं, मामला क्या है, थोड़ा सा मतलब झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में उन लोगों ने क्या कर दिया कि मैं जा रही थी वैक्सीन लगवाने उधर प्राइमरी स्कूल पे, मैं रास्ते में गई, वहाँ पे सुनसान गली थी, वो सामने बैठे चबूतरे पे बैठ के फोन चला रहा था। अब मुझे क्या पता था कि वो आगे क्या करेगा, वो उसकी औरत किसी के घर में छुपी थी। अब जब मैं जैसे आगे बढ़ी, मैं जैसे दूसरी गली क्रॉस करूँ, तब पीछे से मेरा बाल पकड़ ली। अच्छा, और मेरा बाल किसने बाल पकड़ा? अमर की औरत सीता देवी, उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद जब मैंने पूछा तो मुझे गाली वाली देखो, उसके बाद बोली पहले दोनों को दरा, मुझे नीचे मार दिया, पहले तो नीचे अब एकदम गली में लथार दिया, उसके बाद दोनों खूब मार दिया हमको, दोनों अमर और सीता दोनों पति पत्नी दोनों। उसके बाद जब मैं बेहोश हो गई तो वहाँ से वो लोग भागा है, फिर जब भागा है तो मैं वहाँ से 10 मिनट बाद जब होश होकर मैं घर पे जा रही हूँ, तो मैंने डायरेक्ट पापा को फोन किया कि पापा ऐसी ऐसी बात है। जब पापा आए तो इन्होंने फिर से ईटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया, मेरे पे भी हाथ पे मेरी चोटाई थी, उसी से मेरे फिर पापा का सिर फट गया। उस दिन फिर जमानत हुआ, मैं थाने गई तो उन्होंने वो लोग छूट गए, मुझे अरेस्ट कर लिया। जब जमानत हुआ तो फिर आए रात को, तो फिर रात को गणपत आए थे, गणपत की ओर से शांति देवी, ये तारा देवी, ये सीता अमर दोनों ने फिर रात को 9:30 बजे मुझे गली में लसार के दोनों ने मुझे मार दिया, 6 लोगों ने, मेरी बहन भी थी ज्योति गायत्री, हम तीनों को लसार के मार दिया। फिर रात को वो लोग भाग गए, फिर सुबह पुलिस आई तो हम मुझे गिरफ्तार कर लिए, फिर तो मुझे गिरफ्तार किया और उसे वो भी गए थाने पे, लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया, मुझ पे चालान कर दिया, चोर कोतवाल को डांटे। फिर मैं बलिया लेकर आया, फिर चालान हुआ, फिर जमानत हुआ, मैं घर गई। फिर उसके दूसरे दिन जीते तो दूसरे दिन मेरे पापा सुबह गए थे, बड़े पापा घर पे गए थे, वहाँ से रास्ते में आ रहे थे, तब तक उन्होंने क्या किया, उसने मतलब कि ये तारा देवी और ये गणपत शांति देवी दोनों ने क्या किया कि अमर को फोन कर दिया कि यहाँ से वो निकल चुके हैं, वो जैसी करे तो बस हमारे शिवालय के पीछे बस गाड़ी है,
उधर ही आ रहे थे तब तक उन्होंने कहा कि फोन कर दिया, जब पापा को क्या किया वही पीछे हुआ था, अब आए पीछे से वार कर दिया, उनको मार और पूरा हाथ पैर पूरा तोड़ ताड़ गया और वहाँ से भाग गया। जब चोट कहाँ कहाँ है इनके सिर पर पहले से थी, ये हाथ फट गया, पैर पूरा टूट गया, फिर पीठ और सब काला पड़ गया, बहुत ज्यादा मार मारे, मम्मी पैर में कहाँ चोट है, दाहिने पैर पे, पैर पूरा हड्डी टूट गया है, पूरा हड्डी मतलब उस पूरा मार दिया था उनको जान से, बस ये देखा कि ये मर गया है तो वहाँ से छोड़ के भागा। फिर कोई आया तो फिर वहाँ से कुछ कर रहे थे, जब कोई नहीं दिखा तो फिर आ रहा था मारने के लिए। आगे अब क्या चाहते हम चाहते थे हमको इंसाफ चाहिए, क्योंकि प्रशासन क्यों कोई करे, प्रशासन